हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2.0 के चाइना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोग जानते हैं चाइना में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है 2.0 का, लेकिन अभी भी अच्छा होल्ड करके रखा है। जो भी हो, कभी भी कलेक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि चाइना के दर्शक को कब मूवी पसंद आ जाए और कब वो लोग देखे इसका कोई पता नहीं चलता। तो आप लोग चैनल को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग ऐसे वीडियोस देते रहते हैं। तो 2.0 का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था वो था 34 करोड़, सेकेंड डे का 15 करोड़, डे 3 का 11 करोड़, डे 4 का 8 करोड़, फिफ्थ डे का 7 करोड़, और आज 6th डे का कलेक्शन भी बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं इस मूवी का जो कलेक्शन है चाइना का, बढ़िया होल्ड करके रखा है, अच्छा कलेक्शन किया है, इतना बुरा भी नहीं है। जो भी हो, फिल्म अभी भी ब्लॉकबस्टर चल रही है चाइना में। तो आप लोगों को 6th डे का जो कलेक्शन है वो बता दूँ, 6th डे पे 2.0 ने नीट कलेक्शन किए हैं 5 करोड़, जिसका ग्रोस कलेक्शन है 6 करोड़। तो ये अच्छा कलेक्शन है मुझे जो लगता है, क्योंकि बाहुबली 2 ने 6th डे में इतना इससे भी कम कलेक्शन किया था, 1 करोड़ से भी कम कलेक्शन किया था। तो ये एक बढ़िया कलेक्शन है, एक अच्छा होल्ड करके रखा है। जो भी हो, आप लोग मेरे वीडियो को देखना। 2.0 का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है टोटल वो है 982 करोड़। तो अच्छा कलेक्शन है, कभी भी 1000 करोड़ का मार्क छूलेगी 2.0। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये मूवी और कितना चल सकता है, 102 दिन तक चलेगी चाइना में। आप लोग जानते हैं चाइना का राइट 178 करोड़ में बिका है, बहुत ज़्यादा पैसों से बिका है चाइना का राइट। तो अगर मूवी को ब्लॉकबस्टर होना है तो बहुत कमाई करनी होगी इस 102 दिन में, और हम भी चाहते हैं कि मूवी और भी कमाई करे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग मूवीज़ का अपडेट्स देते रहते हैं। और पहलवान आ रहा है, गैंग लीडर आ रहा है, जो भी इनका फ़ैन है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी का सारे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इसी चैनल में मिलेगा सबसे पहले। तो प्लीज़ साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।